आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियाँ, तालिकाएं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संदर्भ सूची और साथ ही बहुत कुछ। इसके साथ ही हम जल्द ही इस किताब का इंग्लिश एडिशन भी शुरू करने वाले हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। ऑडियो बुक का यह वीडियो भारतीय राज व्यवस्था नामक किताब के 14वें अध्याय, जिसका टाइटल केंद्र राज संबंध यानी सेंटर स्टेट रिलेशंस है। इसके अन्य अध्याय ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यह अध्याय स्पॉटिफाई, जियो सावन, एंकर FM, गाना, हेडफोन एवं गूगल पॉडकास्ट जैसे एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां जाकर इन्हें सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघ ही है, तथा समस्त शक्तियां विधायी, कार्यपालक और वित्तीय, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है। यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है, संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जो केंद्रीय कानून की तरह ही राज कानून को लागू करती है। यद्यपि केंद्र एवं राज्य अपने अपने क्षेत्र में प्रमुख है, तथापि संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। इस तरह संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। केंद्र एवं राज्यों के संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोण से किया जाता है। पहला, विधायी संबंध, दूसरा, प्रशासनिक संबंध एवं तीसरा, वित्तीय संबंध। तो सबसे पहले जानते हैं विधायी संबंध के बारे में। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेदों में भी इस विषय से संबंधित है। किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र एवं राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। इसके अतिरिक्त संविधान 5 असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान सहित कुछ मामलों में राज्य विधान मंडल पर केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था करता है। इस तरह केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामले में 4 स्थितियां हैं। पहला, केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र। दूसरा, विधायी शक्तियों का बंटवारा। तीसरा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। और चौथा, राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। पहला, केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। संविधान ने केंद्र और राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया है। पहला, संसद पूरे समय या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में राज्य शामिल है, केंद्र शासित राज्य और किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जाता है। दूसरा, राज्य विधान मंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। राज्य विधान मंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य से बाहर के क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता, सिवाय तब जब राज्य और वस्तु में संबंध पर्याप्त हों। तीसरा, केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। यद्यपि संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले पर संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं, दूसरे शब्दों में संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होते। पहला, राष्ट्रपति 4 केंद्र शासित क्षेत्र में शक्ति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। ये हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली, दमन व दीव। इस प्रकार बनाया गया विनिमय संसद के किसी अधिनियम के समान ही प्रयोजित और प्रभावित होगा। इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इसे संसद के किसी अधिनियम को निरसित या संशोधित करने का भी अधिकार है। तीसरा,
राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू ना करे या उसमें कुछ विशेष संशोधनों का लागू करे। तीसरा, असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजाति क्षेत्र स्वत जिलों में प्रयोग ना कर या कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति जनजाति क्षेत्र स्वत जिलों मेघालय त्रिपुरा एवं मिजोरम के लिए प्राप्त है। दूसरा, विधायी विषयों का बंटवारा। संविधान के सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। सूची एक, संघ सूची। सूची दो, राज्य सूची। सूची तीन, संवर्ती सूची। पहला, संघ सूची से संबंधित किसी भी मामले पर कानून बनाने का संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। इस सूची में इस समय 100 विषय हैं, मूलतः 97, जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि। दूसरा, राज्य विधान मंडलों को समान परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस समय इसमें 61 विषय, मूलतः 66, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं साफ सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य बाजार आदि। तीसरा, संवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधान मंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस समय 52 विषय, मूलतः 57 है, जैसे आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक एवं छापा प्रेस एवं अन्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में शामिल किया गया। वे हैं का, शिक्षा, खा, वन, गा, नाप एवं तौल, घा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, अंगा, न्याय का प्रशासन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन। अवशिष्ट सूची से संबंधित विषयों, वे विषय जो तीनों सूची में सम्मिलित नहीं होते पर विधान बनाने का अधिकार संसद को है। इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में विधान शक्ति की शक्ति भी शामिल है। इस तरह स्पष्ट है कि विधायकता के लिए आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मामलों को संघ सूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय एवं स्थायी महत्व एवं विविधता वाले विषयों को राज्य सूची में रखा गया, जिस विषयों पर संपूर्ण देश में विधायिका के एक रूपता वंचित है परंतु अनिवार्य नहीं। इस तरह स्पष्ट है कि विधायिकता के लिए आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मामलों को संघ सूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय एवं स्थायी महत्व एवं विविधता वाले विषयों को राज्य सूची में रखा गया, जिन विषयों पर संपूर्ण देश में विधायिका के एक रूपता वंचित है परंतु अनिवार्य नहीं, उन्हें संवर्ती सूची में रखा गया। इस तरह संविधान अनेकता में एकता की अनुभूति देता है। अमेरिका में संघीय सरकार की शक्तियां संविधान में निहित है तथा अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के विषयों पर दी गई हैं। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में भी अमेरिका की तरह शक्तियों के एकल वर्णन की प्रक्रिया को अपनाया गया। कनाडा में शक्तियों के आवंटन की दोहरी प्रक्रिया है, अर्थात संघीय और प्रांतीय तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 त्रिस्तरीय महत्व के मामलों की व्यवस्था करती है, अर्थात संघीय, प्रांतीय एवं संवर्तीय। वर्तमान संविधान एवं अधिनियम के मामलों को एक अंतर के साथ अपनाता है। खास शक्तियां उस समय ना तो संघीय विधायिका को दी गई ना प्रांतीय विधायिका को, बल्कि भारत के गवर्नर जनरल को दी गई। इस मामले में भारत ने कनाडा पद्धति को अपनाया। संविधान में संघ सूची को राज्य एवं संवर्ती सूची के ऊपर रखा गया और संवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया। संघ सूची एवं राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में संघ सूची मान्य होती है। यदि यही व्यवस्था संघ सूची व संवर्ती सूची के मामले में भी यही स्थिति होती है, संवर्ती एवं राज्य सूची में संघर्ष की स्थिति पर पूर्व वाली मान्य होती है
यद्यपि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्र कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होता है। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित है और उसे राष्ट्रपति की सहायता मिल जाती है तो राज्य का कानून प्रभावी होगा, लेकिन संसद भी इस पर कानून बना सकती है। तीसरा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। केंद्र एवं राज्यों के बीच टकराव की उक्त व्यवस्था समान काल में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए होती है, लेकिन असमान काल में बंटवारे की योजना या तो सुधारी जाती है या स्थगित कर दी जाती है। दूसरे शब्दों में संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची की तरह निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए। जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, यदि राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस मामले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। इस तरह के किसी प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों में 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए। यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसे आगे असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे 1 बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। यह व्यवस्था राज्य विधानमंडल को समान मुद्दों पर कानून बनाने से रोकती है, लेकिन राज्य कानून एवं संसदीय कानून के बीच असहमति के मामले पर बात की व्यवस्था मान्य होगी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, यदि आपातकाल प्रभावी हो जाता है तो संसद राज्य सूची के मामलों की शक्ति अधिग्रहित कर लेती है। आपातकाल समाप्त होने पर 6 माह बाद यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। यहाँ भी राज्य विधान मंडल के समान मुद्दों का कानून बनने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती, लेकिन इसमें भी टकराव की स्थिति में संसदीय कानून हावी रहता है। राज्य के अनुमोदन की अवस्था में, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करेगी राज्य सूची के मामले पर कानून बनाए जा सकते हैं, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। यह कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया। यद्यपि बाद में कोई राज्य इस संबंध में विधानमंडल में पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू कर सकता है। इस तरह के कानून का संशोधन या इस पर पुनर्विचार संसद ही कर सकती है, न कि संबंधित राज्य। उक्त प्रावधानों के तहत संसद उन मामलों पर भी कानून बना सकती है जिन पर उसे सीधे शक्ति प्रदत्त नहीं की गई। दूसरी ओर ऐसे मामले में राज्य विधानमंडल के कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। राज्यों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपने विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित कर समर्पित कर दिया तथा सभी कुछ संसद के हाथों में सौंप दिया। राज्यों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपने विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित या समर्पित कर दिया है तथा सभी कुछ संसद के हाथों में सौंप दिया है। उक्त व्यवस्था के तहत पारित कुछ कानूनों के उदाहरण इस प्रकार है। पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रक एवं निवारक अधिनियम 1974, नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम 1976 और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना। संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। उक्त व्यवस्था के तहत बनाए गए कुछ कानूनों के उदाहरण हैं संयुक्त राष्ट्र सुधार एवं प्रतिरक्षा अधिनियम 1947, जिनेवा समझौता अधिनियम 1960, अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982 एवं पर्यावरण के संबंधित विधान और ट्रिप्स। राष्ट्रपति शासन के दौरान, जब राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। इसका अर्थ यह है कि इस कानून के प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है, परंतु ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निरसित या परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। चौथा, राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद के सीधे
विधान के अतिरिक्त संविधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित मामलों में शक्तिशाली बनाता है। पहला, राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संतुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त है। दूसरा, राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति को पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते संबंधी विधेयक। तीसरा, राष्ट्रपति राज्य विधान मंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। उक्त प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि संविधान ने विधायी विषयों पर कानून बनाने के मामले में केंद्र की स्थिति ज्यादा शक्तिशाली रखी है। इस संबंध में सरकारी आयोग 1983-87 ने यह पाया कि संघीय सर्वोच्चता केंद्र एवं राज्यों के कानूनों के मध्य तनाव एवं टकराव को समाप्त करने एवं सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने की एक शक्ति है। यदि केंद्र की सर्वोच्चता की इस स्थिति को समाप्त किया गया है तो इसके नकारात्मक प्रभावों का अनुभव भी नहीं लगाया जा सकता। हमारी द्वैत राजनैतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप, विविध अड़चने, भ्रांतियों इत्यादि जैसे अनेकानेक कारक हैं, जो अंतर्योगत्वा नागरिकों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। एकीकृत विधायी नीति एवं एक रूपता सामान्य केंद्र राज्य संबंधों के आधारभूत मुद्दे हैं। इससे ही हमारी अनेकता में एकता की पहचान अक्षुण्ण नहीं रह सकती। इस प्रकार संघीय सर्वोच्चता की यह नीति संघीय व्यवस्था की प्रभावी एवं निर्बंध संचालन हेतु अति आवश्यक है। प्रशासनिक संबंध संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 243 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था की गई है। इसी मुद्दे पर कई अन्य अनुच्छेद भी हैं। कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्यों के बीच कुछ मामलों को छोड़कर विधायी व कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका शक्तियाँ पूरे भारत में विस्तृत हैं। पहला, उस मामले में जिसमें संसद को विशेष विधायी शक्ति प्राप्त है, अर्थात संघ सूची के विषय। दूसरा, किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार प्राधिकरण और न्याय क्षेत्र का कार्य। इसी तरह राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य की सीमाओं तथा विस्तृत है, अर्थात राज्य सूची के विषय। वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को विधान निर्माण की शक्ति प्राप्त है, अर्थात समवर्ती सूची के विषय। उनमें कार्यकारी शक्तियाँ राज्यों में निहित होती हैं, सिवाय तब जब कोई संविधानिक उपबंध या संसदीय विधि इसे विशिष्टता केंद्र को प्रदत्त करे। इस प्रकार समवर्ती विषय संबंधी कोई नियम यद्यपि संसद द्वारा निर्मित किया गया हो, परंतु उसे राज्य द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है, सिवाय तब जब संविधान या संसद अन्यथा निर्देश करे। राज्य एवं केंद्र के दायित्व। संविधान ने राज्यों की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन पर दो प्रतिबंध आरोपित किए हैं, जिससे इस संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को दो प्रकार उपयोगी किया जाता है। आ, संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा राज्यों के संबंधित कोई वर्तमान विधान। बा, राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह न रखना, इसमें से पहला जहां राज्यों पर साधारण दायित्व है, वही दूसरा राज्यों पर विशेष की केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित करे। दोनों ही मामलों में केंद्र की कार्यकारी शक्तियाँ इस सीमा तक विस्तृत हैं कि वे अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों को यह निर्देश देती हैं कि केंद्र का कानून उनके कानून से ज्यादा मान्य होगा। केंद्र के निर्देश प्रकृति में बाध्यकारी से है। इस प्रकार अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में या प्रभावी बनाने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकते हैं कि आमुक राज्य से संविधान की मंशा या दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि ऐसी दशा में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्यों को केंद्र के निर्देश। इन दो मामलों में अतिरिक्त केंद्र को यह अधिकार है कि वह राज्यों को निम्नलिखित मामलों पर अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है। पहला, संचार के मामलों को बनाए व उनका रखरखाव करे। दूसरा, राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करे। तीसरा,
प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करे। चौथा, राज्य में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाए और उनका क्रियान्वयन करे। इन मामलों में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देश भी राज्यों पर लागू होते हैं। कार्यों का पारंपरिक प्रतिनिधित्व। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन कठोर है। इस तरह केंद्र अपनी विधायी शक्तियां राज्य को नहीं दे सकता, जबकि कोई इकलौता राज्य राजसूची पर संसद के कानून बनाने को नहीं कह सकता। कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा सामान्यतः विधायी शक्तियों के बंटवारे का ही अनुसरण करता है, परंतु कार्यपालिका क्षेत्र में ऐसा कठोर बंटवारा टकराव को जन्म दे सकता है। संविधान ने कठोरता एवं विभेदता को हटाने के लिए एक कार्यकारी अंतर सरकारी प्रतिनिधि मंडल बनाया है। इस तरह राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है। इस तरह एक राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में ही कराता है। आपसी समझौते का यह मामला शर्त या बिना शर्त का हो सकता है। संविधान केंद्र कार्यकारी कार्यों को राज्य द्वारा निष्पादित करने के संबंध में यह प्रावधान करता है कि केंद्र राज्यों के बिना सहमति परिस्थितिवश ऐसा कर सकते हैं, किंतु ऐसी स्थिति में वह कार्य संसद द्वारा किया जाएगा, न कि राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रकार संघीय सूची के विषय पर कानून द्वारा बनाया गया कानून केंद्र के संविधान में शक्तियों का आवंटन एवं करारोपण का अधिकार राज्य को उसकी सहमति के बिना दे सकता है। यही कार्य राज्यों द्वारा नहीं किया जा सकता। उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग या तो आपसी सहमति या विधान के द्वारा स्थापित किया जा सकता है, जहां केंद्र दोनों रीतियों का प्रयोग कर सकता है, वहीं राज्य केवल प्रथम रीति को ही अपना सकता है। केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग। संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सहयोग एवं समन्वय के लिए निम्नलिखित उपबंध है। पहला, संसद किसी अंतर राज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय नियंत्रण दे सकती है। दूसरा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इस तरह की परिषद 1990 में बनाई गई थी। तीसरा, केंद्र एवं राज्यों में लोक अधिनियमों रिकार्डो एवं न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए भारत की भू क्षेत्र को पूर्ण विश्वास एवं रख रखाव की जानी चाहिए। चौथा, संसद संवैधानिक उपबंध से अंतर राज्य व्यापार वाणिज्य एवं अंतर संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण का गठन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं, किसी अन्य संघ के तहत केंद्र एवं राज्य की सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई हैं, जिन्हें केंद्रीय सेवाएं या राज्य सेवाएं कहा जाता है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS और IFS शामिल है। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्यों के अंतर्गत उच्च पदों पर अपनी सेवाएं करते हैं, परंतु इनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है। इन सेवाओं को केंद्र एवं राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। इस पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का एवं तात्कालीन नियंत्रण राज्य सरकार का रहता है। इन्हें 1947 में भारतीय सिविल सेवा ICS के स्थान पर IES और भारतीय पुलिस यानी IP के स्थान पर IPS नाम दिया गया, जिसे संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई है। 1966 में भारतीय वन सेवा IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाएं के गठन का अधिकार प्रदान करता है। इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक का आवंटन राज्यों की आवश्यकता अनुसार किया जाता है, तथा इनमें से प्रत्येक में समान स्तर के अधिकार होते हैं एवं इन्हें समान वेतन प्रदान किया जाता है। यद्यपि अखिल भारतीय सेवाएं राज्य के स्वामित्वता और संरक्षण को सीमित कर संविधान के संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है, इन सेवाओं का समर्थन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। पहला, केंद्र एवं राज्य में उच्च स्तरीय प्रशासन के रख रखाव में। दूसरा, पूरे देश में प्रशासनिक एकीकरण व्यवस्था सुनिश्चित करने में। एवं तीसरा, केंद्र एवं राज्यों के सामूहिक हितों के संबंध में सहयोग एवं संयुक्त कार्यों में। संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं को उचित बताते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था,
संविधान व्यवस्था में द्वैत नीति को सभी संघीय व्यवस्थाओं में अपनाया गया। सभी संघीय व्यवस्थाओं में संघीय सिविल सेवा एवं प्रांतीय सिविल सेवाएं पाई जाती हैं। भारतीय संघ में भी द्वैत नीति तथा दो प्रकार की सेवाएं होगी, किंतु इनका एक अपवाद भी होगा। यह पाया गया है कि प्रत्येक देश में प्रशासन में कुछ विशेष पद प्रशासक के स्तर को बनाए रखने के लिए रणनीतिक पद कहे जाते हैं। निसंदेह प्रशासन का स्तर इन रणनीतिक पदों पर नियुक्त किए जाने वाले लोक सेवकों की दक्षता पर निर्भर करता है। संविधान ने भी बिना किसी भेदभाव के राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वे अपनी लोक सेवाओं का गठन करें। अखिल भारतीय सेवा हेतु अखिल भारतीय स्तर पर इनका आयोजन किया जाएगा। इसके द्वारा चयनित प्रशासकों हेतु अखिल भारतीय सेवाओं के समान वेतन भत्तों को इस तरह इन्हें रणनीतिक या मुख्य पदों पर नियुक्ति के समान अवसर होने चाहिए। लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध निम्नवत हैं। पहला, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा ही की जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा, संसद संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी JSPSC का गठन संबंधित विधानमंडलों की अनुरोध पर ही कर सकती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तीसरा, राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। तीसरा, संघ लोक सेवा आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन, संयुक्त भर्ती आदि पर राज्यों की सहायता दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर कर सकता है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। यद्यपि भारत में दोहरी राजनैतिक व्यवस्था अपनाई गई है, तथापि न्याय के प्रशासन में द्वैत नीति नहीं है। दूसरी ओर संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की। इसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर एवं उच्च न्यायालय निचले स्तर पर है। यह एकल व्यवस्था ही केंद्र एवं राज्य दोनों के विधायों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। यह व्यवस्था पारस्परिक टकराव एवं भ्रांति को समाप्त करने हेतु अपनाई गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संविधान राज्य के राज्यपाल के परामर्श से किया जाता है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है एवं पद को हटाया भी जा सकता है। संसद विधान बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र एवं गोवा या पंजाब एवं हरियाणा के लिए एक ही न्यायालय है। आपातकालीन संबंध में उपबंध। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्य या राज्यों को निर्देश कर सकती है। इस प्रकार इस स्थिति में राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रणाधीन हो जाता है, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। दूसरा, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है, तो राज्य की कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश देता है। इस स्थिति में राज्य या राज्यपाल या अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है। तीसरा, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु राज्यों को निर्देशित कर सकता है, तथा राष्ट्रपति राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती करने का आदेश दे सकता है। अन्य उपबंध। संविधान राज्यों के प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण को लेकर निम्नलिखित अन्य उपबंध है। पहला, अनुच्छेद 355 केंद्र पर दो कर्तव्यों को लागू करता है। आ, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे, और बा, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। दूसरा, राज्यों के राज्यपालकों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होने के अतिरिक्त राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। वह राज्य के प्रशासनिक मामले की रिपोर्ट समय समय पर केंद्र को देता रहता है। तीसरा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसे राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। संविधानेतर युक्तियां।
उपरोक्त वर्णित संवैधानिक युक्तियों के अतिरिक्त केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय हेतु कई अन्य संवैधानिक युक्तियां भी हैं। इनमें बड़ी संख्या में परामर्शदात्री निकाय एवं केंद्र के स्तर पर आयोजित सम्मेलन आदि शामिल हैं। अब नीति आयोग गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकायों में शामिल है। योजना आयोग, अब नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्थानीय शासन एवं शहरी विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, उत्तर पूर्व परिषदें, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद, केंद्रीय परिवार कल्याण परिषद, परिवहन विकास परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादि। केंद्रा संबंधों के विकास हेतु या तो वार्षिक या आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। ये विषय इस प्रकार है: राज्यपालों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। दूसरा, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मुख्य सचिवों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करता है। चौथा, पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन। पांचवा, मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। छठा, कुलपतियों का सम्मेलन, गृह मंत्रियों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है। एवं आठवा, विधि मंत्रियों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विधि मंत्री करता है। वित्तीय संबंध, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं। हमें यह निम्नलिखित शीर्षों से समझ सकते हैं: कराधान शक्तियों का आवंटन। संविधान ने केंद्र व राज्यों के बीच निम्नलिखित तरीके से कर शक्तियों का आवंटन किया है। पहला, संसद के पास संघ सूची, जिसकी संख्या 15 है, के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। दूसरा, राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची, जिसकी संख्या 20 है, पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। तीसरा, संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को संवर्ती सूची, जो संख्या में 3 है, पर कर निर्धारण का अधिकार है। कर निर्धारण की अवशेषित शक्तियां संसद में निहित है। इस उपबंध के तहत संसद के उपहार पर समृद्धि कर और व्यय कर लगाया गया है। संविधान कर उगाही और संक्रमण की शक्ति में स्पष्ट अंतर करता है, और इस प्रकार कर की उगाही और एकत्रित कर की प्राप्तियों की उपयोग की शक्ति का भी निर्धारण करता है। उदाहरण के लिए, आयकर की उगाही और एकत्र केंद्र द्वारा किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों के मध्य बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान ने राज्यों की कर निर्धारण शक्ति पर निम्नलिखित पाबंदियां भी लगाई है। पहला, विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति पर 2500 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री समाचार पत्रों के अतिरिक्त पर कर लगा सकता है, लेकिन ऐसी शक्तियों पर 4 पाबंदियां हैं: आ, राज्य के बाहर किसी वस्त्र की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। बा, आयात या निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। सा, अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के किसी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। दा, संसद द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मामलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध। तीसरा, राज्य विधानमंडल बिजली की बिक्री व उसके उपयोग पर कर लगा सकता है, लेकिन ऐसी बिजली की बिक्री का उपयोग पर कर नहीं लगाया जा सकता जो आ, केंद्र द्वारा उपभोग की जाने वाली और केंद्र को बेची जाने वाली हो, बा, रेलवे के किसी रख रखाव कार्य में उपयोग की जा रही हो, या संबंधित रेलवे निर्माण में कार्यरत किसी केंद्रीय कंपनी को बेची जा रही हो। चौथा, राज विधानमंडल किसी अंतर राज्य नदी या नदी धारा के विनियमन के विकास हेतु संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली एकत्रीकरण, उत्पादन, खपत, वितरण या बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है, लेकिन ऐसे किसी कानून को प्रभावी बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश को सुरक्षित रखना होगा और उसकी सहमति लेनी होगी। कर राजस्व का वितरण।
80वें संशोधन अधिनियम 2000 तक 88वें संशोधन 2003 द्वारा केंद्र राज्य के बीच कर राजस्व बंटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन किया गया। 80वां संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए कानून लागू किया गया। आयोग ने सिफारिश की थी कि कुछ केंद्रीय करों एवं कराधानों से प्राप्त कुल आय को 29% राज्यों को मिलना चाहिए। इसे अब मूल्य की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया तथा यह पूर्व व्यापी 1 अप्रैल 1996 से अस्तित्व में आया। इस संशोधन से आयकर के साथ ही कई अन्य करों जैसे निगम कर, कस्टम ड्यूटी इत्यादि का प्रावधान किया गया। 88वें संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान में एक नए अनुच्छेद 268 का जोड़ा गया जो सेवा कर से संबंधित है। इसने केंद्र सूची में एक नया विषय प्रविष्ट 92 का जोड़ा। सेवाओं पर कर सेवाओं पर केंद्र द्वारा लगाया जाता है लेकिन इसका संग्रहण राज्य करते हैं। इसके उपरांत इसका केंद्र एवं राज्यों के मध्य युक्त बंटवारा होता है। इन दो संशोधनों के उपरांत केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के बंटवारे का विभाजन निम्न अनुसार होता है।